नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मुकेश माइकल एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो डाला हूं और देख रहा हूं कि मैंने दो स्टेप सिखाया। जब से लॉकडाउन हुआ दो स्टेप सिखाया, मैं दो वीडियो डाला, पार्ट नंबर 30 और पार्ट नंबर 31, ठीक है, 30 और 31। दोनों पार्ट मेरा काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी मेरे भाई लोग कमेंट में बोले भी हैं कि भैया कंटिन्यू बनाते रहिए, तो कंटिन्यू ही बनाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सीखिए और कमेंट में अपना सुझाव बताइए कैसे क्या करना है। आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा लगता है। और जिसको डांस सीखना है, जो भाई मेरे मुंबई में रहते हैं, वो मुंबई में मेरे से संपर्क करें। 5 फरवरी के बाद मैं मुंबई चला जाऊँगा। अभी मैं गाँव में हूँ और ये वीडियो मैं अपने गाँव में ही बना रहा हूँ, अपने छत पर बना रहा हूँ। तो आइए मैं आप लोग को एक ऐसा स्टेप सिखाता हूँ, ठुमका सिखाना और चेस्ट का, कमर का, काफ़ी मैं स्टेप बताया हूँ। पार्ट 30 स्टेप तक मैं सिखा चुका हूँ। आज ये स्टेप जो सिखाऊंगा ये 32वां स्टेप रहेगा। तो इसमें मैं आपको कुछ अलग टाइप का स्टेप बताता हूँ, कुछ ठुमका के साथ साथ, चेस्ट के, कमर के हिलाने के साथ साथ कुछ पैर का मूवमेंट हो जाए। तो आइए देखते हैं किसी भी म्यूज़िक पर ये पैर कैसे चलेगा। हमारा जिसका जो भी पैर चलता है वो आगे करे, जिसका दाहिना चलता है वो दायां पैर आगे करे, जिसका बायां चलता है बायां पैर आगे करे। तो मान लो मेरा दाहिना चलता है, मैं दाहिना पैर को आगे करूं या पीछे करूं, जिससे स्टार्ट करना है वही करो। अगर मुझे इसको लेके जाना है दाहिना से तो दाहिने से ही करेंगे, अगर बायां को लेके जाना है आगे तो बाएं से करेंगे। तो मान लो मैं दाहिना पैर पीछे किया, बायां आगे किया, ठीक है। रोलिंग देखिए क्या है, ये इधर घूमा, ठीक है। स्टेप देखिए कैसे है, 1 2 3 4, यानी हम पंजे पे करेंगे, है ना भाई, पंजे पे करेंगे और ऐसे घुमाएंगे बाहर की तरफ। ध्यान देना, अंदर की तरफ मत घुमाना, बाहर की तरफ घुमाना, बाहर की तरफ, ठीक है। ये बाहर गया और इधर पीछे वाला पैर ये भी बाहर गया, ठीक है। दोनों साथ में घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, एक इधर एक इधर। अब दोनों साथ में घुमाएंगे दोनों को, 1 2 3 4। आप लोग एक बार फिर से देख लो, पीछे से देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो काफ़ी बहुत सारे हिंदी गाने में बहुत सारे लोग ये स्टेप करते हैं। आप देखो, पहले इधर गया और ये इधर गया, दोनों साथ में गया, 1 2 3 4। अब बस स्टेप कहाँ से बनेगा, अब उस पर ध्यान दीजिए। यही मूवमेंट करके दाहिना पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर यही मूवमेंट करके बायां पैर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आप आगे चलते जाएंगे। देखो, मैं दोनों साथ में करूंगा और पीछे वाला पैर आगे कैसे लाऊंगा, जैसे ये खिंचेगा 1, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर अब पीछे वाला पैर, अब ये पीछे हो गया, तो फिर ये ऐसे करेंगे और पीछे वाला उठा के आगे लाएंगे, 2 ये 3 ये 4। अगर पीछे भी जाना है तो दोनों साथ में करो और दिमाग में रखो पीछे जाना है। अब चार बार आगे आए हो, चार बार पीछे जाना है, तो ऐसे ही अब आगे वाला पैर पीछे जाओगे, पीछे जाते जाते पीछे जाओगे, ये दोनों साथ में घुमाओगे और जैसे घुमाओगे जंप करके 1, फिर घुमाओगे 2, फिर घुमाओगे 3, फिर घुमाओगे 4। पहले ये घुमाना सीख लो और घुमा के 1 लाना सीख लो, फिर घुमा के वापस पीछे भी लेके जाओ, 1 2 3 4। एक एक पैर सीखने का तरीका, पहले दोनों घुमाना सीख लिया, फिर पीछे वाला पैर आगे और पीछे डालना सीख लो, 1 2 1 2 1 2। जब भी आगे जाएगा घूम के गया ये आया, ये घूम, ये घुमा और ये गया ये आया, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे आप दोनों पैर का स्टेप अपना साफ कर लो, दाहिना और बायां। ये वाला है तो इसको भी साफ करो, 1 2 1 2। अगर आपके दिमाग में आ गया मुझे चलना है तो स्टेप जोड़ दो ना, कुछ भी स्टेप जोड़ दो, अब चलते जाओ अपना किसी भी म्यूजिक पे। भाई सीख करके बताओ मुझे कमेंट में कैसा लगा, और आप सीखते रहो, जितना भी स्टेप मैं सिखा रहा हूँ सीखते रहो, यही सब स्टेप डांस में डालो, गाने में डालो, ठीक है। अब गाने पे भी सिखाऊंगा, लेकिन गाना पे सीखना मतलब कि आप पहले स्टेप पहले सीख लो पूरा, फिर आप किसी भी गाने पे खुद कर लोगे,
मैं भी कुछ समझाऊंगा, तो सीख के बताना कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय भोजपुरी।